फिशिंग करते हुए एक फिशरमैन के जाले में एक लड़की अटक जाती है। वो कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। अब आगे क्या होगा ये हम आज की हमारी मूवी ऑनडाइन, जो 2009 की एक फैंटेसी रोमांटिक मूवी है, इसमें देखेंगे। मूवी की स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसकी एंडिंग भी अमेजिंग है, तो अंदर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर सिराकस को, जो एक फिशरमैन था, फिशिंग करता हुआ देख सकते हैं। अचानक से उसके जाले में फिश के अलावा एक लड़की अटक गई। वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है कि वो यहाँ पर आई कैसे है। वो उसके पास गया और उसके नेट को उसने ओपन किया। वो थोड़ा सा हिल डुल रही थी। वो अभी जिंदा है पर उसके फेफड़ों में पानी भर गया था, तो सरकस इसे निकालने में हेल्प करता है। वो बेचारी बहुत ही डर चुकी थी, उसे लग रहा था कि वो ऑलरेडी मर चुकी है, पर सरकस उसे यकीन दिलवाता है कि अब भी वो जिंदा है। वो यहाँ पर कैसे आई और उसका नाम क्या था, ये भी उसे पता नहीं है। सिराकस को लोग सर्कस भी बुलाया करते हैं, तो मैं यहाँ पर उसे सर्कस बुलाता हूँ। सर्कस ने उस लड़की से कहा कि मुझे तुम्हें हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा, पर इसके लिए वो लड़की मना करती है। सर्कस मान नहीं रहा था तो डायरेक्टली पानी में कूदने की तैयारी कर रही थी, तो सर्कस उसकी बात मान लेता है। वो लड़की किसी को भी देखना नहीं चाहती थी, तो सर्कस ने उसे कहा मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पर तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। सर्कस फिर उसे अपने मदर के घर पर लेकर आता है। उसकी मदर की डेथ कुछ सालों पहले ही हो चुकी थी, उसे भी अकेला रहना बहुत ही पसंद था, इसी वजह से उस लड़की को भी यहाँ पर वो लेकर आया। अपना लंच उसे दे देता है। वो ज़रा लेट हो चुका था और आज उसे अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाना था, तो यहाँ से वो निकल गया। उसकी वाइफ मौरा का और उसका डिवोर्स हो चुका है। उन्हें एक बेटी है जिसका नाम है एनी। एनी की किडनी खराब है तो उसे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। जब तक मैच नहीं मिल जाता तब तक उसे डायलिसिस करना पड़ेगा। इसी के लिए सर्कस उसे आज डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था। वो आज लेट हो गया तो डॉक्टर से मिल नहीं पाता, फिर भी वो डायलिसिस कर लेते हैं। ये प्रोसेस जब चल रही थी तो एनी कहती है कि आप मुझे कुछ स्टोरी सुनाओ। सर्कस ने कहा एक फिशरमैन था, उसकी नेट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की फंस गई। ये सुनकर एनी पूछती है क्या वो लड़की सल्की थी। सल्की एक चिल्ड्रन के नॉवेल का कैरेक्टर है। वो सी से अपने सील कोट में आई हुई थी। अगर सल्की अपना कोट बरी कर देती है तो 7 साल तक ज़मीन पर रह सकती है। यहाँ पर उसे फिशरमैन से भी प्यार हो सकता है। इस स्टोरी पर एनी स्ट्रांगली बिलीव करती है। सर्कस की स्टोरी अनकम्प्लीट थी जो एनी को अच्छी नहीं लगती, पर आज नर्स ने उसके लिए मोटराइज्ड व्हीलचेयर दी हुई थी जिसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड हो गई। घर आने पर उसकी एक्स वाइफ मौरा उस पर गुस्सा थी कि वो लेट हो चुका था। वो कभी भी उससे सही से बात नहीं करती और अल्कोहलिक भी है। अगले दिन सर्कस फिर से उस लड़की से मिलने के लिए आया। उसे कहता है मुझे लगा था कि कल मैं सपना देख रहा था पर अब यह हकीकत लग रहा है। सर्कस फिश पकड़ने के लिए जा रहा था तो उस लड़की ने पूछा कि मुझे भी लेकर चलो। सर्कस कहता है कि वहाँ पर लोग होंगे, पर लड़की ने कहा कि मैं उनसे छुप जाऊँगी। सर्कस उसे समझा रहा था कि किसी लड़की को लेकर जाना है बैड लक होता है। वो कहती है क्या आजकल तुम्हारा लक अच्छा है। सर्कस का लक बहुत ही घटिया था तो इस वजह से उसे लेकर जाने के लिए मान गया। उसने पूछा क्या तुम्हें अब तुम्हारा नाम याद आ रहा है। वो लड़की कहती है तुम मुझे ऑनडिन बुला सकते हो। वो भी एक बुक का कैरेक्टर थी जो पानी में से आई थी। ऑनडिन प्रिटेंड कर रही थी कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। बोट पर वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना गाती है और सर्कस का लक बदल गया। अचानक से उसे बहुत ही वैल्यूबल और अच्छे फिश मिलने लग गए। वो खुश हो जाता है और आज उसने बहुत सारे फिश पकड़े। सर्कस ने उसे कहा कि तुम हमेशा मेरे साथ चल सकती हो। जितना वो फिश सेल कर कमाएगा उसका कट भी उसे देने वाला है। ऑनडिन कहती है कि मुझे लोगों से नहीं मिलना। सर्कस ने कहा कि तुम तो मुझसे मिलती हो। ऑनडिन कहती है तुमसे मिलना मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद सर्कस टाउन के शॉप में गया। वहाँ पर वो ऑनडिन के लिए कुछ कपड़े लेता है। शॉप ओनर के साइज के उसने कपड़े बाय किए। उसे अंडरगारमेंट बाय करने के लिए ज़रा शर्म आ रही थी तो ये चोरी कर लेता है। अपनी बेटी एनी से मिलने के बाद उसने अपनी स्टोरी कंटिन्यू की। उसने कहा कि जो लड़की पानी में से आई थी वो सिंग कर अलग अलग फिश को अपने पास बुला सकती है। एनी ने कहा कि सल्की जो होती है ये अंडर वाटर एक दूसरे से गाकर ही बात करती है। वो फिर ऑनडिन को उसके कपड़े दे देता है। उसने पूछा कि तुम कितने दिन यहाँ पर रहने वाली हो। ऑनडिन पूछती है कि मैं कितने दिन रह सकती हूँ। सर्कस कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं हमेशा तुम्हें यही रख लूँ। ऑनडिन को भी ये बात बहुत अच्छी लगी। एनी को अपनी फादर की स्टोरी ज़रा अजीब लगती है तो लाइब्रेरी में जाकर वो बुक्स लेकर आए और इस पर ज़रा रिसर्च करने लग गए। साइरस हमेशा किसी से बात करने के लिए प्रीस्ट के पास आता है। पूरे 2 साल हो चुके उसने ड्रिंक नहीं किया। पहले वो अल्कोहलिक हुआ करता था। हमेशा इसी के बारे में वो बात करता है, पर आज उसे कन्फेशन भी करना था। उसने कहा कि मैंने चोरी की है।
प्रीस्ट के पूछने के बाद उसे ओंडीन के बारे में बता देता है। ये सब प्रीस्ट को बहुत ही अजीब लगा। वो कहता है कि आगे क्या होता है ये मुझे बताते रहना। एक दिन जब ओंडीन स्विमिंग कर रही थी तो एनी वहाँ पर पहुँच गई। उसे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और अब ये बात कन्फर्म हो गई। एनी ओंडीन से कहती है तुम वही लड़की हो जिसके बारे में मेरे फादर बात कर रहे थे। एनी ने उसे पूछा क्या तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स है कि मेरी बीमारी को तुम ठीक कर सकती हो। ओंडीन उसे कुछ भी नहीं बताती। एनी ने कहा क्या तुम्हारे पास कोट भी है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक कोट है, अगर तुम उसे बरी कर देती हो तो 7 साल लैंड पर रह सकती हो, यहाँ पर फिशरमैन के साथ तुम्हें एक अच्छी लाइफ भी मिलेगी। एनी इतनी ज़्यादा बात कर रही थी तो ओंडीन को बात करने का कोई भी चांस ही नहीं देती। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्कस को एनी ने जो स्टोरी बताई थी इसके बारे में वो खुद भी रिसर्च करने लग गया था। एनी के पास न्यू व्हील चेयर है, ये उसके क्लासमेट को अच्छा नहीं लगता तो उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। एक क्लासमेट व्हील चेयर पर बैठ गई, उसे पानी में डाल देती है। एनी इसके खिलाफ कुछ भी नहीं करती है, वैसे भी उसके एज से वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। इसके बाद हम हमारी स्टोरी में एक स्ट्रेंजर को देखते हैं। ये इस टाउन में ओंडीन को ढूंढते हुए पहुँच गया था। एक दिन फिर से सर्कस ओंडीन को अपने साथ शिप पर लेकर जाता है। ये शिप कैसी चलानी है ये भी ओंडीन सीखने लग गई थी, एक दूसरे के करीब आने लग गए थे। ओंडीन फिर से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना गाती है और आज फिर से इन्हें बहुत अच्छे फिश मिले थे। जो फिश नॉर्मल नेट में पकड़ना इम्पॉसिबल होता है वो भी नेट में आ गए थे। अचानक से कुछ कोस्ट गार्ड सर्कस की बोट पर आके ओंडीन को जल्दी से छुपा देता है। वो सर्कस से पूछते हैं नॉर्मल नेट से तुम ये फिश पकड़ कैसे सकते हो। वो नेट चेक करने के लिए गए और उसके नीचे ही ओंडीन थी। सर्कस कहता है किसी लड़की को बोट पर लाना क्या कोई क्राइम है। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ से चले गए पर इनका टाउन बहुत ही छोटा है, छोटी छोटी बातें सब लोगों को पता चल जाती है। सर्कस ने ओंडीन से कहा अब सब लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा, छुप कर रहने में कोई भी पॉइंट नहीं है। जब वे सिटी में पहुंचते हैं तो सब लोग उसे ही देख रहे थे। ओंडीन कहती है कि बहुत ही अजीब है, अगर आप अच्छे दिखते हो और सब आपको घूरते तो अच्छा लगता है। उसे नहीं लगता था कि वो ब्यूटीफुल है पर सर्कस कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। इसके बाद सबके सामने ओंडीन सर्कस के साथ घूमने लग गए। टाउन में दोनों एनी से भी मिलते हैं। इन्होंने कहा कि हम दोनों ऑलरेडी मिल चुकी है। सर्कस ने ओंडीन के लिए लाए हुए कपड़े इतने ज़्यादा अच्छे फिट नहीं थे तो ओंडीन शॉपिंग करने के लिए आती है। उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े बाय कर लिए। एनी को लगता है कि ओंडीन और उसके लोग हमेशा बहुत ही अच्छे से ड्रेस करते हैं, वो हमेशा उसे सी क्रिएचर ही समझती है। एक दिन ओंडीन ने एनी से कहा कि तुम स्विम क्यों नहीं करती, इससे तुम्हें बहुत ही रिलैक्स लगेगा। एनी पानी से डरती थी पर ओंडीन के साथ नहीं। इसके बाद ये दोनों स्विमिंग करने के लिए चले गए। एनी को स्विम कर बहुत अच्छा लगता है पर अचानक से ओंडीन के पैर को कुछ लगा। ये एक नेट था और इस नेट में और कुछ है, ये सब कुछ ऊपर रख देती है। एनी को लगता है कि ओंडीन का सील कोट है, उसे कहती है हम इसे गाड़ देते हैं, यानी कि तुम 7 साल तक यहाँ पर रह सकती हो। इसके लिए ओंडीन भी मान के एक जगह पर इन्होंने उन्हें गाड़ दिया। ये सब जब बोट पर थे तो एनी ओंडीन से पूछती है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, तुम्हें हस्बैंड होगा पर तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है, एक्चुअल में जो आदमी ओंडीन को ढूंढ रहा है ये उसका हस्बैंड ही है। आज इनके यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन थी तो सब लोग मिलकर इसे एंजॉय करते हैं। यहाँ पर ओंडीन का हस्बैंड भी आया हुआ था। एनी ने ओंडीन से फिर से पूछा क्या तुम मेरी विश कंप्लीट कर सकती हो। ओंडीन उसे कुछ भी बोल नहीं रही थी तो एनी डिसाइड करती है कि उसे टेस्ट करेगी। अपने व्हील चेयर से वो डायरेक्टली पानी में कूद के तो ओंडीन उसे बचा लेती है। ये सब ओंडीन के हस्बैंड ने देख लिया था। एनी की हालत जब मोरा ने देखी तो सर्कस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। उसे लगता है कि यह सब ओंडीन की वजह से ही हो रहा है। घर आने के बाद ओंडीन सर्कस से पूछती है तुम्हारा नाम तो सैराकस है, तुम्हें सब लोग सर्कस क्यों बुलाते हैं। सैराकस कहता है कि मैं सर्कस में काम करता था और बहुत ज़्यादा पिया करता था। ओंडीन ने पूछा कि तुमने स्टॉप क्यों कर दिया। सर्कस कहता है कि एक दिन मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गई थी। एनी घर पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, वो खुद भी बहुत ज़्यादा ड्रंक था। वो अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना चाहता है तो उसके बाद से उसने दारू पीना छोड़ दिया। उसे फिर भी एनी की कस्टडी नहीं मिली थी क्योंकि वो सिर्फ एक फिशरमैन है। ये सब सुनने के बाद ओंडीन उसके पास आ गई और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ओंडीन की लाइफ में जो भी चल रहा था ये सारी चीज़ें वो प्रीस्ट को बताता है। अगर वो किसी से बात ना करे तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ओंडीन के हस्बैंड ने सर्कस के पास आकर उसे बात करने की कोशिश की, ओंडीन कहाँ रह रही है इसके बारे में जानने की कोशिश की पर सर्कस उसे डायरेक्टली इग्नोर कर देता है। एक दिन ओंडीन का हस्बैंड उसे ढूंढते हुए डायरेक्टली घर पर पहुँच गया। वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, पीछे के दरवाजे से वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर में सर्कस जब घर पर आया तो ओंडीन को ढूंढ नहीं पाता। अलग अलग जगह पर उसने उसे देखा तो स्टीम के पास बैठी हुई थी।
उसे बता देती है कि मेरा हस्बैंड मुझे लेने के लिए आ चुका है। और निन ने कहा कि मैं अगर विश कंप्लीट कर पाती तो मैं चाहती कि एनी की बीमारी चली जाए। सर्कस कहता है मैं भी विश करता हूँ, तुम हमेशा यहाँ पर रह जाओ। आज रात फिर से मौरा और उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गए थे। वैसे ही वो गाड़ी में एनी के साथ घर पर आ रहे थे, तभी हम देखते हैं कि ऑनडिन का हस्बैंड भी बहुत ही फास्ट गाड़ी चला रहा था। इन दोनों का अपना गाड़ी पर कंट्रोल नहीं था तो एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में मौरा के हस्बैंड एलिस की तुरंत डेथ हो गई थी। वो और ऑनडिन का हस्बैंड ये दोनों बहुत ही इंजर्ड थे। इसके बारे में पता चलने के बाद सर्कस और ऑनडिन ये दोनों जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंच गए। डॉक्टर ने सर्कस से कहा कि मौरा के हस्बैंड की किडनी एनी से मैच कर रही है, वो एक डोनर भी था तो एनी को एक न्यू किडनी मिल गई। ये वही विश थी जो अभी अभी ऑनडिन ने की थी। हॉस्पिटल में ऑनडिन का हस्बैंड भी था। ये दोनों मिले, हस्बैंड ने कहा कि मेरे साथ चलो, हम यहाँ पर बिलोंग नहीं करते। ऑनडिन कहती कि पुलिस मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। उसे खुद जाना भी नहीं था। नेक्स्ट दिन में मौरा के हस्बैंड का फ्यूनरल हुआ। वो खुद ड्राइव कर रही थी तो इस वजह से अपने आप को ही जिम्मेदार मानती है। वो अब एनी का ख्याल नहीं रखना चाहती तो सर्कस को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है, बस सिर्फ एक कंडीशन पर। ये कंडीशन थी कि सर्कस ऑनडिन के साथ नहीं रहे। सर्कस के लिए डिसीजन लेना बहुत ही हार्ड था, तो मौरा ने कहा कि आज मेरे साथ ड्रिंक करो। उसे ड्रिंक किए 2 साल हो गए, पर फिर भी उसे उसके साथ ड्रिंक करना पड़ता है। आज रात वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गया और डायरेक्टली ऑनडिन के पास आया। उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर मेरे साथ बिलोंग नहीं करती। जिस आइलैंड के पास उसे मिली थी वहाँ पर घसीटते घसीटते ज़बरदस्ती लेकर गया। वो कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो। ये सब करते हुए सर्कस का दिल बहुत ही ज़्यादा टूट रहा था, पर फिर भी उसे करना पड़ेगा। अपनी ड्रंक हालत में सर्कस ने अपनी रात पेड़ पर बिताई। ये सब चीज़ें प्रीस देख लेता है। उसे सर्कस के बारे में सब कुछ पता था। उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम हमेशा गम में रहते हो। गम में रहना बहुत ईजी होता है, पर हैप्पीनेस ढूंढना इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि अगर ऑनडिन के साथ उसे रहना है तो उसे फाइट करना पड़ेगा, अपनी खुशी के लिए उसे लड़ना पड़ेगा। इसके बाद सर्कस एनी को घर पर लेकर आया। सुबह एनी जब टीवी देख रही थी तो ऑनडिन जो हमेशा गाना गाती थी ये टीवी पर आया। ये गाना सुनने के बाद सर्कस रियलाइज़ करता है कि ऑनडिन कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, कोई भी सी क्रिएचर नहीं। वो जल्दी से भाग कर उसे लेने के लिए गया। ऑनडिन स्विम करते हुए एक अलग आइलैंड पर चली गई थी तो वहाँ पर वो पहुँच जाता है। सर्कस ने कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ, तुम यहाँ पर आई कैसे। ऑनडिन कहती है कि मैं रोमानिया में एक स्लेव थी, मेरी हेल्प लेकर एक गैंगस्टर ड्रग को सप्लाई करता था। ये वाटर के थ्रू जा रहे थे तभी पुलिस ने इन्हें घेर लिया। वो अपने हस्बैंड के साथ थी, पर हस्बैंड ने ऑनडिन को पानी में कूद कर वहाँ से स्विम करने के लिए कहा। वो कहती कि मेरा हस्बैंड बहुत ही घटिया आदमी है। ऑनडिन सचमुच में स्विम करते हुए बहुत ही दूर तक आके वो लास्ट तक स्विम करती रही, उसके बाद डूब रही थी, तभी सर्कस ने उसे बचा लिया था। सर्कस को ऑनडिन के लिए बुरा लगा। इसके बाद एक घर पर आ जाते हैं। घर पर ऑनडिन का हस्बैंड ऑलरेडी मौजूद था। उसके साथ एक आदमी इन सबको धमकाता है कि मुझे मेरे ड्रग्स चाहिए। हमने मूवी में देखा था कि ऑनडिन को पानी में कुछ मिला था जिसे उन्होंने गाड़ दिया था, यह वही बैग है। ऑनडिन कोऑपरेट करती है पर उसकी जगह पर उसे बैग मिलता ही नहीं। एनी ने वो बैग निकाल कर किसी और जगह पर रख दिया है। एनी को लगता है कि वो बैग यानी कि सील कोड जब तक ज़मीन में गड़ी रहे तब तक 7 सालों के लिए ऑनडिन उसके साथ रह सकती है। ऑनडिन के हस्बैंड ने उन्हें बहुत धमकाया तो एनी उसकी लोकेशन उसे बता देती है। वो कहती कि मैंने शिप के पास पानी में उसे रखा हुआ है। ये सब मिलकर शिप पर गए। ऑनडिन को पता था कि उसका हस्बैंड उसे इस तरीके से जाने नहीं देगा। वो मौके का फ़ायदा उठाकर एक रस्सी खींच लेती है जिसके उसका हस्बैंड पानी में गिर गया था। वो स्विम नहीं कर सकता तो इस वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद ऑनडिन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो यहाँ की नहीं है। उसे फिर से उसके कंट्री में ट्रांसपोर्ट करने वाले थे, पर सर्कस ने एक आइडिया लगाया। अगर उसे शादी कर लेता है तो यहाँ की सिटीजन वो बन जाएगी। उसने ऑनडिन को प्रपोज किया और ऑनडिन भी हाँ कहती है। इसके बाद वो और एंडिन ये दोनों शिप पर शादी करते हैं। इसी तरीके से इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग हमें मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।